तव कथामृतं तप्त जीवन कवि पीड़ितं कल्मषापः श्रवण मंगलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ये पूरिदा जना। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 46। श्री राम कृष्ण कलकत्ते गए। इसमें हम देखते हैं श्री राम कृष्ण वचनामृत में कुछ वर्णन श्री राम कृष्ण के दक्षिणेश्वर में निवास के हैं। मास्टर महाशय दक्षिणेश्वर गए हैं। रविवार के दिन प्रातः सामान्यतः श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में रहते थे और भक्त लोग उनसे मिलने आया करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो श्री राम कृष्ण से मिलने नहीं आ पाते, तो श्री राम कृष्ण बलराम मंदिर के घर अधर के यहाँ पर ब्रह्म समाज में रामचंद्र दत्त के घर पर इन स्थानों पर श्री राम कृष्ण जाते थे और आसपास के जितने भक्त हैं उनको बुला लिया जाता था, जिससे उनके लिए आसान हो जाता। ये एक नॉर्मल कस्टम है कि अलग अलग स्थानों पर, जिसे हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल प्रोपोगेशन या स्पिरिचुअल टीचिंग का डिसेंट्रलाइजेशन, एक जगह नहीं, सिर्फ रामकृष्ण आश्रम में नहीं होना चाहिए, पंचकुला में भी होगा, फिर पटियाला में भी होगा, मोहाली में भी होगा, तो वहाँ के भक्त लोग जिनको सबको यहाँ आने में दिक्कत होगी वहाँ जा सकते। तो ये चीज श्री राम कृष्ण उस समय किया करते थे, भक्तों के यहाँ जाते थे। और इस बार प्लान किया है श्री राम कृष्ण ने, वे अधरसेन के घर जाने वाले हैं। अधरसेन एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, बहुत अच्छे भक्त थे, उनका कई बार रेफरेंस आता है। और एक बार श्री राम कृष्ण ने अधरसेन की जिह्वा पर लिखकर नाम लिखकर उनको दीक्षा दी थी, यानी वो श्री राम कृष्ण के एक अंतरंग गृहस्थ शिष्य। वे अपना काम खत्म करके, ऑफिस का वर्क करके, इनवेरिएबली श्री राम कृष्ण के पास दक्षिणेश्वर उनको प्रणाम करके फिर वापस अपने घर पर जाया करते। और ये काफ़ी अच्छी कस्टम है, यहाँ भी मैं देखता हूँ कुछ भक्त लोग हैं या तो ऑफिस जाने के पहले आकर ठाकुर को प्रणाम कर जाते हैं या फिर ऑफिस से जब लौटते हैं तो ठाकुर को यहाँ पर प्रणाम करके जाते हैं। ये बहुत अच्छी एक हैबिट है, आदत। तो अधर उसके बाद अधर को अपने काम के लिए, उस समय तो कार वगैरह नहीं थी, घोड़े पर चढ़ना पड़ता था। श्री राम कृष्ण ने उनको कई बार मना किया था, तुम घोड़े पर मत चढ़ा करना, जितना हो कम हो करना। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि एक बार घोड़े पर चढ़कर घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी और श्री राम कृष्ण उससे बहुत दुखित हुए थे। तो जो हो, इस बार श्री राम कृष्ण की योजना थी, प्लान था कि वह अधर के घर जाएंगे। और जैसे ही वे रवाना हुए कि मास्टर महाशय सामने आ गए, श्री राम कृष्ण ने कहा चलो हमारी गाड़ी में बैठ कर चलो, और श्री राम कृष्ण के साथ मास्टर महाशय भी जाने लगे। और बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें होने लगी, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार की है, हमने पढ़ा है। गाड़ी चल रही है, प्रायः अधर के मकान के पास आ गई है। मणि, श्री राम कृष्ण मणि से कहते हैं, सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेगी। सत्य में यानी रिमेन एस्टैब्लिश्ड इन ट्रुथ, सत्य को पकड़े रहना, सत्य में प्रतिष्ठित रहना, तभी ईश्वर के दर्शन होंगे। ये श्री राम कृष्ण की कुछ विशेष बातें हैं। व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारना, ये एक बात है। दूसरा, ट्रुथ, सत्य को पालन करना, जैसा बोला वैसा करना, कभी चीज़ों को झूठ का आश्रय नहीं लेना। श्री राम कृष्ण स्वयं कहते थे सत्य कलिकाल की तपस्या, कलयुग में सत्य है तपस्या। पहले युगों में सत्य युग इत्यादि में लोग उपवास इत्यादि करते थे, एक पैर पर खड़े रहते थे, रात्रि जागरण नहीं करते थे, शारीरिक तपस्या बहुत सारी हुआ करती थी। लेकिन आज के युग के लिए सत्य है तपस्या। श्रीमद् भागवत के अनुसार भी कलयुगकाल में एक सत्य रूपी पैर के ऊपर धर्म रूपी बैल खड़ा हुआ है। मैंने पिछली बार आपको उसका संकेत किया था, श्रीमद् भागवत में कथा आती है ये।
तो बैल जो धर्म रूपी बैल है वो एक पैर पर, बाकी चार पैर तीन पैर कट चुके हैं, एक पैर सत्य। तो सत्य को अगर कोई पालन कर सके तो सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक पुण्य होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको अपने को जैसे कहते हैं ना गांठ बांध कर रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए और यथासंभव इसका पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद मास्टर महाशय कहते हैं, हे ईश्वर तुम्ही को चाहता हूं। मणि मास्टर महाशय कहते हैं कि एक और बात आपने नवी गोसाओं से कही थी, हे ईश्वर मैं तुम्ही को चाहता हूं, देखना तुम्हारी भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुक्त न करना, मैं तुम्ही को चाहता हूं। श्री रामकृष्ण ने ये नवद्वीप गोस्वामी को कही थी। एक वहाँ पर उत्सव हुआ करता था, उत्सव में पानीहाटी का उत्सव, प्रतिवर्ष श्री राम कृष्ण वहाँ जाया करते थे। एक दिन सुबह से शाम तक कीर्तन आदि हुआ करता था, वो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से संबंधित है। उसमें श्री राम कृष्ण प्रत्येक वर्ष जाते थे, खूब नृत्य करते थे, खूब आनंद होता था। तो एक बार जब वे गए थे, हम पढ़ चुके हैं इसका ऑलरेडी, यहाँ पर उसकी पाठ हो चुका है कुछ दिन पहले, और वहाँ पर एक नवदीप गोस्वामी करके एक सज्जन थे, उनको श्री राम कृष्ण ने यह कहा था जो मास्टर महाशय यहाँ पर कह रहे हैं। तो श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं तुम्ही को चाहता हूँ, देखना अपनी भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य में मुझे मत करना, हे ईश्वर भगवान से यह प्रार्थना। श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं, श्री राम कृष्ण कहते हैं हाँ यह दिल से कहना होगा, ठीक ठीक दिल से कहना पड़ेगा। और इसका बहुत अच्छा संकेत हमें, हम लोग जो राम नाम संकीर्तन गाते हैं उसमें मिलता है। उसमें तुलसीदास जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नाना नान्या स्पृहा रघुपते हृदि में सत्यम वदामि, हे रघुपति हे भगवान राम मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। क्या इच्छा है और तुम क्या हो, तुम अखिलांतर आत्मा, तुम तो अंतरात्मा हो, तुम जानते हो कि मेरे में सत्य है कि नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है कि नहीं। मैं सत्य बोलता हूँ क्या, भक्ति प्रयच्छ रीति में मुझे आप निर्भरा भक्ति दीजिए, विशुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए और कामादि दोष रहितम गुरु मानसम में, मेरे मानस को मेरे मन को काम क्रोध आदि दोषों से रहित कर दो। तो ये तुलसीदास जी की प्रार्थना है और वो कहते हैं सत्य बोल रहा हूं। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं हाँ यह दिल से कहना होगा। हम लोग हर 15 दिन में एकादशी के दिन राम नाम बोल जाते हैं, इस प्रार्थना को बोल जाते हैं, लेकिन क्या हम हृदय से बोलते हैं उसको? तुलसीदास जी तो हृदय से बोल रहे हैं। यही बात श्री राम कृष्ण कहते हैं, अगर हम कहें कि भगवान मैं तुम्हें चाहता हूं और किसी को नहीं चाहता और अपनी भुवन मोही माया के ऐश्वर्य में मुझे मुक्त मुक्त न करना, तो ये हम अनफॉर्चुनेटली मन से नहीं कहते। हम भगवान की माया भी चाहते हैं और थोड़ा सा भगवान को भी चाहते हैं, इसलिए नहीं, इस प्रकार से नहीं। जो हो, यहां पर हमने पिछली बार का पाठ समाप्त किया। अब श्री राम कृष्ण अधर के मकान पर आए, अधर के मकान पर पहुंचे। बैठक खाने में रामलाल, मास्टर, अधर तथा कुछ और भक्त आपके पास बैठे हुए हैं। मोहल्ले के 2-4 लोग श्री राम कृष्ण को देखने आए हैं। राखाल के पिता कलकत्ते में रहते हैं, राखाल वहीं पर, राखाल जो आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए, रामकृष्ण मिशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट, एक स्पिरिचुअल जायंट, एक महान आध्यात्मिक संपदा संपन्न महापुरुष, श्री राम कृष्ण के अंतरंग शिष्य और श्री राम कृष्ण के मानस पुत्र के नाम से प्रसिद्ध थे। माइंड बॉर्न सन, यानी स्पिरिचुअल सन ऑफ श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण अधर से कहते हैं, क्यों अधर राखाल को खबर नहीं दी? श्री राम कृष्ण, जैसा मैंने कहा, श्री राम कृष्ण चाहते हैं कि जब वे जाएं तो आसपास के सब लोगों को बुला लिया जाए। राखाल को खबर नहीं दी? अधर कहते हैं जी उन्हें खबर दी है। राखाल के लिए श्री राम कृष्ण को व्यग्र देखकर अधर ने
राखाल को लिवा लाने के लिए एक आदमी के साथ आपने अपनी गाड़ी भी भिजवा दी। उन्होंने इमीडिएटली किसी आदमी को भेजा राखाल के घर उनको बुला लाने के लिए। अधर श्री राम कृष्ण के पास आकर बैठे, आज आपके दर्शन के लिए अधर आज व्याकुल हो रहे थे। आज आपके यहाँ आने के बारे में पहले से कुछ कुछ निश्चित नहीं था, ईश्वर की इच्छा से ही आप आ पहुंचे। ये एक प्लान्ड विजिट नहीं, जैसे कि अधर के घर पे उत्सव होगा, सब लोगों को बुलाया है, ऐसा नहीं। प्लान्ड विजिट नहीं, संभवतः कुछ समय पहले ही इन्फॉर्म किया कि मैं आ रहा हूँ। कोई उत्सव नहीं किया, लोगों को अधिक को बुलाया नहीं, यही कहा यहाँ पर, कुछ निश्चित नहीं था। आज आपके यहाँ आने के बारे में पहले से कुछ निश्चित था, ईश्वर की इच्छा से ही आप यहाँ आ जाए। अब इसके पीछे एक और चीज है, यहाँ पर देखते हैं। अधर कहते हैं, बहुत दिन हुए आप नहीं आए थे। अधर के घर श्री राम कृष्ण जाया करते थे और अधर कहते थे कि महाराज आप नहीं आते हैं तो घर में संसार की बदबू आने लग जाती, मानो संसार का भाव, संसार का एटमॉस्फेयर, संसार के सांसारिक वाइब्रेशन अधिक हो जाते। इसलिए कहते थे बीच बीच में आप आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज आप बहुत दिनों से आप नहीं आए थे, मैंने आज आपको पुकारा था, मैंने व्याकुल होकर आपको पुकारा था, यहां तक कि आंखों से आंसू भी गिरे थे। व्याकुल होकर श्री राम कृष्ण को अधर ने पुकारा था, मन ही मन पुकारा था, घर पे पुकारा था। श्री राम कृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं, कहते क्या, अरे क्या कहते हो, अरे व्हाट इज दिस, वेरी गुड। उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। भगवान के लिए रोना या अवतार के लिए रोना दोनों एक चीज है, और अधर भगवान के लिए रोए थे, व्याकुल होकर रोए थे। ये श्री राम कृष्ण बार बार कहते हैं कि भगवान के लिए व्याकुल होना चाहिए या फिर अवतार के लिए व्याकुल होना, दोनों एक चीज। श्री राम कृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि भगवान भगवान कैसे हैं, सर्वव्यापी हैं, लेकिन अवतार में विशेष प्रसाद प्रकाश रहता है। अवतार में आसानी से उन्हें देखा जा सकता है, पाया जा सकता है। जैसे दूध गाय में, सारे शरीर में गाय में दूध व्याप्त है, लेकिन प्रकट कहां से होता है, प्रकट होता है उसके स्तन से, गाय के थन से दूध होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, गाय के स्तन ही तो है, उनके पास जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन अवतार में उसका विशेष प्रकाश होता है। अवतार के माध्यम से भगवान को आसानी से जाना जा सकता है। श्री राम कृष्ण और भी कहते हैं कि एक दीवार है, उसके पीछे बड़ा बड़ा मैदान है, और एक बड़ा छेद अगर हो जावे तो उसके उसके माध्यम से आप सारे मैदान को देख सकते हैं। वह छेद क्या है, वह अवतार। तो अगर भगवान को प्यार करने के बदले हम अवतार को प्यार करते हैं, राम हुए, कृष्ण हुए, चैतन्य हुए, बुद्ध हुए, श्री राम कृष्ण, किसी को भी अगर पूरे मन से प्यार करें, आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी लीला हमारे समक्ष है। भगवान जैसा वर्णन हम उनका श्वेताश्वेतर उपनिषद में प्राप्त करते हैं तो काफी डिफिकल्ट लगता है, निर्गुण निराकार जैसी बात लगती है। वहां जीव और ब्रह्म के एकत्व की बात की चर्चा हो जाती है, माया के साथ ईश्वर का क्या संबंध है इसकी चर्चा हो जाती है, लेकिन भगवान अब जब अवतार लेते हैं तो उनकी मानवीय लीला हमारे समक्ष है, जो आसानी से समझी जा सकती है और उसमें मन को लगाया जा सकता है। अवतार को देखना और ईश्वर को देखना मानो एक, क्यों, अवतार में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान का स्मरण करे तो आप देखेंगे कि उसका चेहरा बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर काम क्रोध का चिंतन करे, क्रूर व्यक्ति जो होते हैं, बदमाश, दुष्ट, गुंडे इत्यादि निरंतर बुरा चिंतन करते हैं, क्रोध, काम, हिंसा आदि का चिंतन करते रहते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है। उनका चेहरा देखते ही समझ में आ जाता है कि ये तो दुष्ट है। लेकिन इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, शुभ चिंतन करता है, लोगों के कल्याण का चिंतन करता है, तो उसके चेहरा, उसका शरीर बदल जाता है। धीरे धीरे मान मन के चिंतन का प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है, हमारे जो सेल्स हैं
हमारे शरीर की जो बनावट है उसमें पड़ता है। श्री राम कृष्ण में तो सबसे अधिक था, यानी उन्होंने काम कांचन त्याग, धन को त्याग इतना अधिक किया था, मन से किया था, कि वह उनके लिए फिजियोलॉजी में आ गया था, उनके लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया था। अनजाने में भी अगर धातु को स्पर्श कर देते थे तो उनका हाथ जो है वो सिकुड़ जाता था, वापस आ जाता। तात्पर्य यह है कि मानसिक चिंतन जैसा हम करेंगे उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे अंग प्रत्यंग पर पड़ता है, अवयवों पर पड़ता है, पार्ट्स पर पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो जो अवतार हैं उनका शरीर और हमारा शरीर भिन्न प्रकार का होगा ही। इसलिए कहते हैं कि अवतार को देखना यानी घनीभूत भगवान को देखना। मानो भगवान चैतन्य सच्चिदानंद अगर कंडेंस हो जावे, घनीभूत हो जावे, तो अवतार के रूप में आएंगे। इस संदर्भ में यहां नहीं है, एक दूसरी जगह अभी रिसेंटली हम लोग पढ़ रहे थे और हमने कोई पढ़ा भी है, एक कृष्ण किशोर करके एक भक्त थे, श्री रामकृष्ण वचनामृत हम रात को भी पढ़ते हैं आरती के बाद में। एक कृष्ण किशोर नामक परम वैष्णव, परम श्रद्धावान, बड़े निष्ठावान, विश्वास वाले भक्त थे। श्री रामकृष्ण वचनामृत में उनके संबंध में उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि देखो कृष्ण किशोर कैसा निष्ठावान है, कैसा उसका विश्वास है इत्यादि। और कहते हैं कि एक दिन फलधारी श्री राम कृष्ण के बड़े भाई लगते थे, कजिन ब्रदर, वह वेदांत की चर्चा किया करते थे। तो उन्होंने एक दिन कह दिया कि किसी ने कहा कि देखो फलाने फलाने संत आए हैं, हम लोग उनको देखने के लिए जाएंगे। श्री राम कृष्ण ने फलधारी से कहा कि दादा उनको देखने के लिए जाएंगे। हलधारी ने कह दिया अरे हारमांस के जा, वो वेदांत पढ़ते हैं ना, वेदांत में तो जगत मिथ्या है, शरीर वगैरह सब मिथ्या है इत्यादि, वेदांत के अनुसार तो अवतार भी नहीं है, वेदांत के अनुसार तो हम सभी अवतार, वेदांत के अनुसार तो हम सभी अवतार। स्वयं श्री राम कृष्ण ने स्वामी विवेकानंद के मन में जब शंका उठी थी कि क्या श्री राम कृष्ण वेदा अवतार हैं, मन में शंका उठी थी और श्री राम कृष्ण ने क्या कहा था, अरे अभी भी अविश्वास, जो राम जो कृष्ण वही अब राम कृष्ण, इस शरीर में राम कृष्ण, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। तो वेदांत अवतार चवतार को नहीं मानता, वो कहता है कि सर्व सर्व सब ब्रह्म है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि नहीं शक्ति का भेद है, वेदांत ये सब नहीं मानता, वो कहता है शक्ति भी मिथ्या। श्री रामकृष्ण और कहते हैं कि जब राम वनवास में गए थे तो कुछ ऋषि थे, उन लोगों ने कहा राम से कि राम ये भरद्वाजारी ऋषि कहते हैं कि तुम भगवान हो, तुम अवतार हो, लेकिन हम तो मानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। राम हंस दिए, उन्होंने कहा कि ये ऋषियों का मत है जो वेदांत में विचार करते। तो जब हलधारी ने यह कहा कि अरे हाड़ मांस के पुतले को देखने के लिए कौन जाएगा, और श्री राम कृष्ण ने जब यह बात कृष्ण किशोर को कही तो कृष्ण किशोर बहुत गुस्सा हो, क्या हलधारी ने इसी बात कही, अरे जो भगवान का चिंतन करता है उसका शरीर तो चिन्मय हो गया है, जो भगवान का चिंतन करता है, जो भगवान के मन के भाव में निरंतर डूबा रहता है, उसका शरीर जैसे कहना अभी मैं कह रहा था, सारा शरीर चिन्मय चैतन्य रूप हो जाता है, और वह उसको कहता है कि वह हाड़ मांस का पुतला है, नहीं, उसका शरीर उसका दर्शन मात्र करना पुण्य होता है, ईश्वर का अवतार का दर्शन करना यानी सच्चिदानंद का दर्शन करना। वह सच्चिदानंद जब घनीभूत कंडेंस होकर फिजिकल फॉर्म भौतिक रूप अगर धारण करेगा तो उस प्रकार का। तो यहां पर अधर कहते हैं कि मैंने आपके दर्शन के लिए आंसू बहाए थे, तब श्री राम कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा, यानी ये एक बात बता रहा था कि अवतार और भगवान में अंतर नहीं। जो हो गए, शाम हुई, बैठक खाने में बत्ती जलाई गई,
श्री राम कृष्ण ने हाथ जोड़कर जगत जननी को प्रणाम कर मन ही मन शायद मूल मंत्र का जप किया। एक फॉर्मेलिटी क्या होता है कि हम जब निरंतर भगवान का जप करते रहते हैं तो उसके बाद अभ्यास हो जाता है, उसके बाद जब सिद्ध हो जाते हैं तब क्या होता है? याद रखिए, जब सिद्ध कोई व्यक्ति हो गया, क्रिया अनुष्ठान ध्यान जप साधना भक्ति इत्यादि के द्वारा सिद्ध जब हो जाता है, तब ये सब जो चीजें हैं इनकी तो उपयोगिता तो हो गई, समाप्त हो गया। अगर आपको बॉम्बे जाना है तो इसके लिए यहां से आप कार में गए, कार में ट्रेन में गए, उसके बाद उतर गए, वहां पहुंच गए, उसके बाद में सारी चीजें छोड़ दिया, अब वापस जरूरत नहीं है चीजों की। लेकिन साधना में क्या होता है, जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं बाद में वे साधन उनका अभ्यास हो जाता है, हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है, हमारी हैबिट इस प्रकार की हो जाती है, आदत ऐसी हो जाती है कि वह चलता रहता है। श्री राम कृष्ण को जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सिद्ध हो गए, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना अभ्यास किया है वो बना रहता है। इस संबंध में मधुसूदन सरस्वती अद्वैत वेदांत के महान आचार्य, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने भक्ति और ज्ञान को समन्वय करने का प्रयत्न किया। अद्वैत वेदांत के अनुसार भक्ति जो है उसकी आवश्यकता नहीं, ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है, लेकिन मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि भक्ति ज्ञान प्राप्ति का अंतरंग साधन है, नियरेस्ट साधन। स्वयं श्री रामकृष्ण के जीवन में देखते हैं कि श्री रामकृष्ण ने पहले उपासना की थी और उपासना के द्वारा मां जगदम्बा का साक्षात्कार किया था। He had actually realized that साक्षात सगुण ब्रह्म का उन्होंने साक्षात्कार किया, इसलिए वो तैयार थे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, मन एकाग्र हो गया था और यह जो उन्होंने साधना की यह उनके अद्वैत वेदांत में महत्वपूर्ण साधक हुई। और तोतापुरी जी ने जब श्री राम कृष्ण को देखा तो देखकर ही लगा कि अरे ये तो उत्तम अधिकारी है, उनको लगा कि ये तो वेदांत के उत्तम अधिकारी, ये कैसे हुए? उपासना के द्वारा, भक्ति के द्वारा। और उसके बाद श्री रामकृष्ण तत्काल 3 दिन में निर्विकल समाधि को प्राप्त हो गए, इतनी आसानी से हो गए क्योंकि वो उत्तम अधिकारी थे और विचार किया, ज्ञान तत्काल मिला और उसको हो गया। उसकी पूरी कहानी है, उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे। मधुसूदन सरस्वती यही बात कहते, मधुसूदन सत्य कहते हैं कि भक्ति ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। अगर भक्त भगवान से प्रेम करता है तो उसका मन एकाग्र हो जाता है, अगर उसने सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, भगवान के किसी रूप का साक्षात्कार कर लिया तो ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक हो जाए। अच्छा, ज्ञान के बाद क्या होगा? भक्ति रहेगी कि छूट जाएगी? ऑर्थोडॉक्स वेदांती कहते हैं कि भक्ति की फिर कोई आवश्यकता नहीं, तो ज्ञान हो गया। मधुसूदन सिद्ध सरस्वती भी पक्के अद्वैत वेदांती, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, भक्ति बनी रहेगी क्योंकि उसने इतना काम किया है, इतना मदद किया है, अंत तक उसका अभ्यास किया है तो भक्ति बनी रहेगी। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया। जो भक्ति मार्गी वेदांत के वो हैं, वेदांतिक भक्ति स्कूल से वेदांत एक पुस्तक है, भक्ति स्कूल से वेदांत स्वामी तपस्यानंद जी की लिखी, जिसमें द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, जिसमें भगवान को सेपरेट माना है, भक्ति को किया है, वो सारे स्कूल्स, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सब भक्ति स्कूल्स हैं वेदांत के, अद्वैत वेदांत नहीं, तो एक किताब अलग से किताब है। ये भक्ति स्कूल इस बात को नहीं मानते, वे कहते हैं नहीं, भक्ति सर्वोपरि है, अद्वैत वेदांत भक्ति को नहीं ज्ञान को सर्वोपरि मानता है। लेकिन मधुसूदन सरस्वती ऐसे हैं जो उन्होंने दोनों को समन्वय किया। तो उसके बाद जब ध्यान में प्रतिष्ठित, भक्ति में प्रतिष्ठित, सॉरी ज्ञान में व्यक्ति जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो भक्ति छूटती नहीं। स्वयं श्री राम कृष्ण के जीवन में मजेदार बात हुई, निर्विकल्प समाधि हो गई और निर्विकल्प समाधि के पहले उन्होंने मां जगदम्बा का जब रूप आया
उसको भी कहते हैं क्या कहा, ज्ञान खड्ग से काट डाला, ज्ञान की तलवार से अपनी परम प्रिया माँ जगदम्बा जिसके साथ बिना रह नहीं सकते उसको उन्होंने ज्ञान रूपी तलवार से काटा यानी नष्ट कर दिया। क्या किया, ज्ञान के द्वारा निश्चय कर लिया कि यह भी मिथ्या है। वेदांत क्या कहता है, वेदांत कहता है गुरु शास्त्र और ईश्वर ये तीनों भी मिथ्या हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के पहले ये साधक हैं, सहायक हैं, और ज्ञान प्राप्ति के बाद में उनके प्रति अनुग्रह, वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम, उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, भले मिथ्या हो गया, सिद्ध हो गया तो भी। तो श्री रामकृष्ण ने उसके बाद में देखा, तोतापुरी महाराज कहते हैं, देखते हैं उनको ज्ञान, श्री राम निर्विकल समाधि हो गई, निश्चित हो गया कि ये वेदांत में प्रतिष्ठित हो गया है। तथापुरी महाराज ने देख लिया कि ये पक्का निर्विकल समाधि प्राप्त हो गई है उसको, लेकिन देखा कि शाम होते ही वो ताली बजाने लग जाते हैं, जय माँ जय माँ जय माँ, ये तोतापुरी महाराज को समझ में नहीं आता, अरे ये क्या, अरे ये क्या करता है, रोटी बेलता है, रोटी थेपता है, उनको समझ में नहीं आता था कि अद्वैत वेदांत में प्रतिष्ठित हो गया, निर्विकल समाधि हो गई, और ये मां मां करता है, अरे ये मां सब तो मिथ्या है। और श्री राम कृष्ण कहते हैं थाल थाला मैं मां का नाम रहता हूं और तुम बोलता है कि रोटी बनाता है, अद्वैत वेदांत के में प्रतिष्ठित होते हुए भी जो भक्ति है वो छूटती नहीं, वो बनी रहती। तो यहां पर भी क्या, श्री राम कृष्ण के लिए आवश्यकता नहीं, फिर भी शाम हो गई, बत्ती जलाई गई, इवनिंग समय हो गया, अभ्यास हो गया है, संध्या होते ही हम भगवान का नाम लेना चाहिए। ये जो दो संध्या हैं, सुबह की संध्या यानी सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक पहले, ये इस समय जब सूर्यास्त के बाद, ठीक बाद सूर्यास्त हो गया, टाइम शांत हो गया, उस समय भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। और सुबह भी भगवान का नाम संध्या के समय, मॉर्निंग में संध्या, इवनिंग के संध्या के समय, ये श्रेष्ठ समय है, इस समय भगवान का नाम लेना चाहिए। तो श्री राम कृष्ण हाथ जोड़कर प्रणाम करके मन ही मन भगवान का नाम ले रहे हैं, मास्टर महाशय ने मानो ये कहा, अभ्यास के द्वारा उनके लिए आवश्यक नहीं, फिर भी ले रहे। अब मधुर स्वर से नाम का उच्चारण कर रहे हैं, पहले मन ही मन नाम लिया, अब मधुर स्वर से, अत्यंत मधुर, जो प्यार करता हो किसी को, भगवान को अगर वे प्यार करते हो, जो व्यक्ति प्यार करे तो उसके प्यार में उसके शब्द जो लोगे वो प्रेममय होंगे, गोविंद गोविंद सच्चिदानंद हरि बोल हरि बोल, आप इतना मधुर नाम उच्चारण कर रहे हैं मानो मधु बरस रहा है, भक्तगण निर्वाक होकर उस नाम सुधा का पान कर रहे। श्री राम कृष्ण गाते भी बहुत अच्छा, वो सा स्वर सुर लय गला वो सब बिल्कुल अच्छा, तबला न होवे हारमोनियम नहीं होगे, लेकिन बहुत अच्छा गाते, स्वामी विवेकानंद भी बहुत अच्छा गाते। इन गायकों के वाणी में भाव रहता था, माधुर्य रहता था, जो गाते थे वह अनुभव करते थे, इसलिए उनका गाना इतना मधुर होता था, मीठा होता। और यहां भी देखते हैं श्री रामकृष्ण केवल नाम उच्चारण कर, गोविंद गोविंद सच्चिदानंद हरिबोल हरिबोल, पर यह इतना मधुर नाम उच्चारण है कि मानो मधु बरस रहा है, भक्त को निर्वाक होकर इस नाम सुधा का पान कर रहे। अब इसके बाद रामलाल आए हैं, श्री राम कृष्ण के भतीजे, वे गाना गाएं। और यहां पर दो गाने हैं, उनका सारा विस्तार दिया गया है, मैं तेजी से पढ़ जाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ तांत्रिक बातें हैं, ये जो षटचक्र हैं तंत्रों के अनुसार, मूलाधार स्वाधिष्ठान अनाहत मणिपुर अनाहत, उसके बाद विशुद्ध आज्ञा और सहस्र,
ये जो षट चक्र उसके बाद सप्तम चक्र, ये जो चक्रों की बात है इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से गया गया। ये एक बहुत बड़ा अपने आप पे शास्त्र है, तंत्र का शास्त्र है। संक्षेप में हम इसको देखने का प्रयत्न करेंगे। रामलाल गा रहे हैं और देखिए इस श्री राम कृष्ण वचनामृत की विशेषता, जैसा मैंने कहा, एक और श्री राम कृष्ण का वर्णन है, तीसरे उपदेशों का वर्णन है, सारे वातावरण का वर्णन है, कुछ भक्तों का वर्णन है, और यहाँ पर दो दो बड़े विस्तार से गाने भी आ गए। यानी एक बड़ा बड़ा सुंदर एक ग्रंथ है कि जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ मिली हुई। गाना गा रहे हैं, हे माँ हर मोहिनी, माँ जगदम्बा हर मोहिनी, यानी शिव जी को मोहित करने वाली माँ पार्वती, तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है, मूलाधार महाकल में कमल में तू वीणा वादन करती हुई चित्त विनोद करती है। मूलाधार चक्र बताया गया, वहां पर कहते हैं कमल है, और वहां पर मानो कुंडलिनी के रूप में शक्ति, शक्ति कुंडलिनी के रूप में माँ जगदम्बा वहां पर विजा, ये शक्ति सर्वत्र विद्यमान है। महामंत्र का अवलंबन कर तू शरीर रूपी यंत्र के सुषुम्ना आदि तीन तारों में तीन गुणों के अनुसार तीन ग्रामों में संचरण करती है। यहाँ कहते हैं कि महामंत्र के माध्यम से शरीर एक यंत्र है, मानो ये शरीर है, और यहाँ पर तीन तार कौन से हैं? जैसे वीणा है उसमें कई तार होते हैं, ये तीन तार कौन से हैं? ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। ये तंत्र के अनुसार ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये तीन नानो नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। मॉडर्न साइको साइंस के अनुसार, मॉडर्न फिजियोलॉजी के अनुसार तो कहते हैं सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक और स्पाइनल कॉर्ड। ये कह सकते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक और बीच में जो होती है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ये तीन कहा जा सकता है। तीनों तीन गुणों के अनुसार, तीन गुण हैं सत्व रज और तम, और तीन ग्राम, ये तीन ग्राम कौन है ये मैं कह नहीं सकता तंत्र के अनुसार क्या है। मूलाधार चक्र में तू भैरव राग के रूप में अवस्थित है। अब ये बहुत टेक्निकल तांत्रिक चीज है, वहां कहते हैं मूलाधार चक्र में भैरव राग राग में के रूप में अवस्थित है, स्वादिष्टान चक्र के षड्दल कमल में, उसके बाद मूलाधार के बाद नाभि के सामने, अरे उसके बाद मूलाधार उसके ऊपर ही पास में होता है स्वादिष्टान चक्र, उसमें तू छह कमल, छह दल कमल, लेकिन उसके छह सिक्स पेटल कमल उसके रूप में तू है। तू श्री राग, वहां श्री राग मणिपुर चक्र में, इसके बाद नाभि पर आया मणिपुर चक्र, इसमें मल्हार राग, हृदय में अनाहत चक्र में वसंत राग, उसके बाद विशुद्ध चक्र में, गले में जब आए विशुद्ध चक्र यहां पर हिंडोल राग, आज्ञा चक्र सिर के ऊपर यहां पर कर्नाटक राग, ताल मान लय सुर के अनुसार तू मध्य मंद्र मध्य तार इन सप्तकों को का भेदन करती है। हम तीन वो बनाते हैं, इन तीन सप्तक बताते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो गाते हैं सारे गम पध नि सा, तो एक मंत्र ने नीचे का, उसके बाद मध्य जिसमें करते हैं, और तीसरा है तीव्र ऊपर का। तो ये तीन तार, ये तीन प्रकार के सप्तक, सा जो पूरा हारमोनियम होता है उसमें 21 स्वर होते हैं, बीच वाले सात, नीचे वाले सात और ऊपर वाले सात। तो ये सारा का सारा जो कुंडलिनी का वर्णन है, जो शक्ति का वर्णन है, जो कमल इत्यादि हैं, ये जो चक्र बताए हैं, इनके साथ में संगीत का समावेश किया गया है तत्वाकाश में। अच्छा, हे महामाये तू मोह पाश के द्वारा सबको अनायास बांध रहती है, तूने मोह पाश के द्वारा सबको अनायास बांध लिया है। तत्वाकाश में तू मानो स्थिर सौदामिनी की तरह विराजमान है, आकाश में स्थिर सौदामिनी, सौदामिनी यानी बिजली, लेकिन जो स्थिर है, चमकती नहीं, एक बार चमकी बस वैसी बनी रही,
ऐसी सौदामिनी की तरह विराजमान है, जो गाना रचने वाला है, भजन लिखने वाला नंद कुमार कहता है कि तेरे तत्व का निश्चय नहीं किया जा सकता। तीनों गुणों के द्वारा तूने जीव की दृष्टि को आच्छादित कर रखा है। ये सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के द्वारा हमारा मन आच्छादित हो रहा है। हम परमात्म तत्व को नहीं जान पाते जो तीनों गुणों के परे है। सत्व गुण होने पर हम उसके अधिक निकट आ जाते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, लेकिन सत्व गुण को भी पार करना पड़ता है। अंत में तीनों गुणों के पहले ऊपर वह तत्व को पाया जा सकता है। फिर दूसरा गाना लीजिए, उसी प्रकार का है। हे भवानी, मैंने तुम्हारा भय हर नाम सुना है, इसीलिए तो अब मैंने तुम पर अपना भार सौंप दिया है। भय हरा, भगवान माँ जो है वो भय को नाश करने वाली हैं, और जो उन पर समर्पित हो जावे पूर्ण रूप से वो भय से मुक्त हो जाता है। पूर्ण विश्वास से अगर कोई भगवान पर अपने आप को शरणागत करे तो उसको फिर भय नहीं रहता, फिर होना नहीं चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति होवे उसमें भय नहीं होना चाहिए। इतना आसान नहीं है, शरणागत हो गए उसके बाद भय नहीं होवे, फिर भी दिल धकता है, अरे बाप रे शरणागत हैं लेकिन फिर भी। श्री राम कृष्ण यहाँ ये भजन में कहा है, अब तुम तारो या ना तारो, जो शरणागत है फिर उसके बाद में वो नहीं कहता है कि मुझे तारो, अब मैं, माँ जगदम्बा कहती मैं तुझे जैसा चलाऊंगी वैसा चलूंगी। गिरीशचंद्र घोष ने श्री राम कृष्ण के शरणागत हुए थे तो वो कहते थे कि अब मेरी मुक्ति की कामना भी करने की शक्ति नहीं है, मैंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, अब भगवान शिव श्री राम कृष्ण मुझे मुक्त करें या बंधन में रखें, मुझे कष्ट दें या कष्ट से निवारें, मुक्ति देवें, ये उनके ऊपर निर्भर करता। वो कहते थे कि जो साधना करता है उनका, जो लोग साधना करते हैं उनका शायद कहीं अंत भी हो जाता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मुक्ति या ईश्वर दर्शन इत्यादि, वो लक्ष्य प्राप्त हो गया तो मुक्त हो गए, लेकिन जो शरणागत है उसका तो लक्ष्य नहीं होता, भगवान जैसा रखेंगे उसे। तो वो कहते हैं कि तुम तारो या ना तारो ये तुम्हारी मर्जी, मां तुम ब्रह्मांड जननी हो, ब्रह्मांड व्यापिनी हो, तुम काली हो या राधा हो यह कौन जाने। हमने देखा श्वेत उपनिषद के अंदर, हम लोग पढ़ रहे हैं श्वेताश्वेतर उपनिषद में ब्रह्म का कई प्रकार से वर्णन है। यहां पर वही वर्णन मां के लिए है, जगदम्बा के लिए। ब्रह्मांड व्यापिनी हो, ब्रह्म को सारे जगत को व्याप्त करके रखी हो, जैसे ब्रह्म को हम कहते हैं सर्वव्यापी है। उसके बाद में कहते हैं तुम क्या हो, ब्रह्मांड व्यापिनी हो, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली जननी हो, यह जगत भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, जगत ब्रह्म से व्याप्त है, वही बात यहां पर मां के लिए जगदम्बा के लिए कही गई है। तुम काली हो या राधा है कौन जाने, ये दो नाम दे दिए, कोई काली कहता है कोई राधा कहता है, एक ही राधा भी आद्या शक्ति। तुम घट घट में विराजमान हो, मूलाधार, अब यहां से फिर वही बात, ये जो चक्र है मूलाधार चक्र के चतुर्दल कमल में तुम कुलकुंडलिनी के रूप में विद्यमान हो। मैंने अभी कहा था कि मूलाधार सबसे नीचे वाला जो चक्र है वहां पर चार कमल जो है वो फोर पेटल चार दल कमल है, और वहां पर कुंडलिनी जो कुंडलिनी शक्ति है वो वहां पर मानो एक कॉइल्ड सर्पेंट के रूप में बैठी हुई है। उसके बाद में वो धीरे धीरे जब साधना होती है तो कुंडलिनी का जागरण होता है, आप लोगों ने सुना होगा ये सारी बातें। तुम्ही सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती हुई स्वाधिष्ठान चक्र के षटदल मणिपुर के दशदल कमल में पहुंचती हो। वो धीरे से उठकर उसके बाद स्वाधिष्ठान चक्र वो हुआ छह दल छह पेटल वाला, उसके बाद मणिपुर दस पेटल वाला, उसके बाद तुम ऊर्ध्वोर्ध कमलों में निवास करती हो, ऊपर ऊपर कमलों में जाती हो। हृदय स्थित अनाहत चक्र के द्वादश दल कमल को अपने पाद पद्म के द्वारा प्रस्फुटित कर तुम हृदय के अज्ञान तिमिर का नाश करती हो। हृदय में जो कमल है वह बारह बारह पकड़ी वाला है, और जब वह वहां आती है कुंडली तो वह प्रकाशित हो जाता है। नाउ दिस आर ऑल सिंबॉलिक, ये सांकेतिक हैं,
और ये 12 जो है इसके भी अलग अलग संकेत के अनुसार है कि 12 क्या है, कुछ गुण है या दुर्गुण है, ये कमल के क्या क्या है, ये खिले हुए अधोमुख रहते हैं, जब प्रस्फुटित होता है तो 12 का क्या होता है, ये सारा तंत्रों में पाया जाएगा। तो यहां पर द्वादश कमल में को अपने पाद पद्म से तुम उसको जब स्पर्श करती हो तो वह प्रस्फुटित हो जाता है, और जब यहां पर कुंडलिनी हुई तो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है, अज्ञान तिमिर का तुम नाश कर देती हो। इसके ऊपर कंठस्थित विशुद्ध चक्र में षोड़श धूम्र वर्ण सब भूरे भूरे धुएं के रंग का षोड़श दल कर्म है, 16 पेटल लोटस है। इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है यदि वह अवरुद्ध हो जाए तो सर्वस्त आकाश ही रह जाता है। इसके ऊपर ललाट में अवस्थित आज्ञा चक्र में द्विदल पद्म है, 2 पेटल कमल है, वहां पहुंचकर मन आबद्ध हो जाता है, वही रहकर मजा देखना चाहता है, वहां जाकर अत्यंत आनंद का अनुभव। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जब यहां पर कुंडली पहुंचती है, मन का यानी आध्यात्मिक जागरण होता है, तो उसके बाद में भगवान का दर्शन इस तरह होता है जैसे एक लालटेन के अंदर हम बत्ती जलते हैं, लाइट देखते हैं, क्लियर दिखता है लेकिन छू नहीं सकते, परम आनंद होता है, मन आबद्ध हो जाता है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहता। जब यहां पर आया विशुद्ध चक्र में तब वहां पर शून्य हो जाता है, आकाश जैसा होता है और कुछ नहीं रहता। ये दोनों मानो बाधाएं हैं, वहां से उठना नहीं चाहता। इसके ऊपर मस्तक में सहस्रार चक्र है, वहां अत्यंत मनोहर सहस्र दल कमल है, 1000 बेटल 100,000 पकड़ी वाला कमल है, जिसमें परम शिव स्वयं विराजमान है। हे शिवानी तुम वहीं शिव के निकट जा विराजो, यहां जाना, ये कंप्लीट फुल्ली स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन, पूर्ण आध्यात्मिक जागरण। हे मां तुम आद्या शक्ति हो, योगी तथा मुनिगण तुम्हारा नगेंद्र नंदनी उमा के रूप में ध्यान करते हैं, तुम शिव की शक्ति हो, तुम मेरी वासनाओं का हरण करो ताकि मुझे फिर इस भव सागर में पतित न होना पड़े। माँ तुम्ही पंचतत्व हो, फिर तुम तत्वों के अतीत भी हो। वही बात, पंचतत्व भी वही है और पंचतत्वों से अतीत भी वही है, तुम्हें कौन जान सकता है। हे माँ संसार में भक्तों के हेतु तुम साकार बनी हो, परंतु पंचेंद्रियां पंच तत्व में विलीन हो जाने पर तुम्हारे निराकार स्वरूप का ही अनुभव होता है। संसार में मां ने साकार रूप धारण किया है, लेकिन पंचेंद्रियां जब हमारी पंच इंद्रियां हैं, ये पंच तत्व से बनी हुई हैं, तन्मात्राओं से बनी हुई हैं, यह आकाश वायु जल इत्यादि से, वह जब उसमें विलीन हो जाते हैं इनके कारण में, तब केवल निराकार स्वरूप का, माँ जगदम्बा के निराकार स्वरूप का ही प्रकाश होता है। ये जैसा मैंने कहा, 2 बड़े विस्तार से बहुत अच्छे भजन दिए हैं। रामकृष्ण मिशन में परंपरा है, दुर्गा पूजा के समय, काली पूजा के समय बहुत सारे ऐसे काली कीर्तन जिसे कहते हैं, मातृ संगीत के भजन गाए जाते हैं, और कई में अत्यंत सुंदर तत्व या आध्यात्मिक तत्वों का वर्णन है। यहाँ पे तो परंपरा है नहीं, मैं बनारस में था, वहाँ पर प्रतिवर्ष काली पूजा और दुर्गा पूजा के समय खूब महीनों महीनों तक गान होते हैं, बहुत अच्छा। खैर रामलाल जिस समय गा रहे थे, इसके ऊपर कंठस्थित विशुद्ध चक्र में धूम्रवर्त षोड़श दल कमल है, इस कमल के मध्य भाग में जो आकाश है वह यदि अवरुद्ध हो जाए तो सर्वस्व आकाश ही रह जाता है। उस समय श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, अब देखिए श्री रामकृष्ण ने यह जो वर्णन है इनका एक्चुअल अनुभव किया, ये सारे वर्णन जो यहाँ पर है श्री रामकृष्ण ने, ये तो केवल वर्णन है, क्या होता है होता है, श्री रामकृष्ण ने इनका साक्षात अनुभव किया था। वे कहते हैं सुनो, इसी का नाम है निराकार सच्चिदानंद दर्शन। सच्चिदानंद सर्वव्यापी, इसका दर्शन, विशुद्ध चक्र का भेदन होने पर सर्वत्र आकाश ही रह जाता है, केवल एक निराकार मात्र रह जाता है और उसका दर्शन करता रह जाता है। ये दर्शन होता है,
वो तो सहस्रार में जब जानते हैं तब क्या होता है कह नहीं सकते, क्योंकि वहां पे दर्शनकर्ता भी विलीन हो जाता। यहां पर श्री राम कृष्ण कहते हैं सर्वस्व आकाश ही रह जाता। मास्टर कहते हैं जी हां। श्री राम कृष्ण फिर कहते हैं इस मायामय जीव जगत के पार हो जाने पर तब कहीं नित्य स्वरूप में पहुंचा जाता है। इस ड्वेलिटी, यह द्वैत जगत जो माया से बना हुआ है, उसको जब हम पार कर लेते हैं तभी नित्य यानी जो सदा विद्यमान चैतन्य सत्ता है, परमात्म सत्ता है, उसके स्वरूप पर पाया जाता है। यह जो माया जगत है यह अनित्य है, यह नित्य नहीं है। यह जीव है इसमें और जगत है, मैं जीव हूं और सारा जगत है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दृष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञे, ये दो डिफ्रेंसिएशन बने रहते हैं। लेकिन जब इसके आगे हम चले जाएंगे तब नित्य स्वरूप की में प्रतिष्ठा हो जाती है। नाद भेद होने पर ही समाधि लगती है, ओंकार साधना करते करते नाद भेद होता है और समाधि लगती है। अब ये नौ ओंकार साधना क्या होती है और नाद भेद क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं नहीं कह सकता। अधर ने फल मिष्टान्न आदि के द्वारा श्री राम कृष्ण की सेवा की। श्री राम कृष्ण ने कहा कि आज यदुमल्ली के घर जाना पड़ेगा। अधर ने श्री राम कृष्ण की सेवा की और इसके बाद श्री राम कृष्ण अब यदुमल्ली के घर जाएंगे। ये दूसरे भक्त, जैसा मैंने कहा कि एक दिन वो जाएंगे कलकत्ता में, कई लोगों के यहाँ जाएंगे, कई भक्तों से मिलेंगे, वहाँ उपदेश देंगे। तीसरा सेक्शन चालू होता है। श्री राम कृष्ण यदुमल्ली के घर पर आए। कृष्णा प्रतिपदा है चांदनी रात। कृष्णा प्रतिपदा यानी पूर्णिमा के बाद वाली जो प्रतिपदा, पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा है तो वो चांदनी होती है उस दिन। जिस कमरे में सिंहवाहिनी देवी की नित्य सेवा होती है उस कमरे में श्री राम कृष्ण के साथ, श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ उपस्थित हुए। ये यदुमल्ली कैसे भक्त हैं जो सिंहवाहिनी देवी यानी दुर्गा, अलग अलग दुर्गा के फॉर्म्स होते हैं, एक सिंहवाहिनी है, वैष्णवी है, अलग अलग प्रकार के जिसे कहते हैं विग्रह, किसी का सिंहवाहिनी मां नाम है, किसका विंध्यवासिनी नाम है, किसी का वैष्णवी नाम है, ये सब दुर्गा है। तो सिंहवाहिनी की वहां पर देवी की नित्य सेवा होती है, प्रतिदिन पूजा, ये एक बहुत बड़ी बात है। वहां पर उन्होंने किसी पुजारी को नियुक्त कर दिया होगा और सारा व्यवस्था की है कि नियमित रूप से शास्त्र के अनुसार, जैसा शास्त्र में बताया गया है उसके अनुसार इसकी पूजा की जाए। पूजा कठिनाई होती है इसमें, इन पूजाओं में सेवा अपराध की संभावना होती है, अगर ठीक से नहीं किया जाए तो जो देव हैं वो रुष्ट भी हो सकते हैं, इसकी संभावना भी होती है। तो यहाँ पर यदुमल्लिक धनवान व्यक्ति थे, एक काफ़ी धनवान से श्री राम कृष्ण कई बार उनसे मिले हैं और इसलिए उनके पास संभावना थी, वो लोगों को एम्प्लॉय कर सकते थे और देखभाल कर सकते थे कि पूजा अच्छी तरह हो। उस कमरे में श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ उपस्थित हुए। सचंदन पुष्पों और मालाओं द्वारा पूजित और विभूषित होकर देवी की अपूर्व शोभा, देवी ने अपूर्व शोभा धारण की है, देवी का विग्रह है, वहाँ पर मालाएँ हैं, चंदन चंदन लगे हुए पुष्प उनको लगाए गए हैं, बड़ी सुंदर देवी का रूप दिखाई दे रहा था। सामने पुजारी बैठे हैं, प्रतिमा के सम्मुख दीप जल रहा है। सहचरों में से एक को श्री राम कृष्ण ने रुपया चढ़ाकर प्रणाम करने को कहा। जब पूजा प्रणाम करते हैं जाते हैं तो कुछ प्रणामी वहां पर भगवान को देते हैं, क्योंकि देवता के दर्शन के लिए आने पर कुछ प्रणामी चढ़ानी चाहिए। इसके पीछे भाव क्या है? इसके पीछे भाव यह है कि हम, याद रखिए, तीन प्रकार के दान होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है तीन प्रकार के दान। एक है अन्नदान, अन्नदान, वस्त्रदान, औषधि दान, जो फिजिकल दान होते हैं। इस दान से कोई आदमी भूखा है उसको आपने खिला दिया, आज पेट भर गया, कल फिर उसको आवश्यकता हो जाएगी, ये सबसे इन्फीरियर में होता है। दूसरा है विद्यादान, विद्यादान, कोई लड़का है उसको आप पढ़ा लिखा दो
उसको बीए एमए करा दो, उसको इंजीनियर बना दो, गरीब था उसको आपने पढ़ा दिया, अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, उसको भिक्षा मांगने की, भीख मांगने की जरूरत। विद्यादान अन्नदान से श्रेष्ठ। तीसरा है ज्ञानदान, आध्यात्मिक ज्ञानदान, और यह आध्यात्म की आवश्यकता सदा सर्वदा विद्यमान रहती है। केवल भौतिक विद्या और केवल अन्न देने से समाज चलता नहीं, आध्यात्मिकता अगर नहीं हो तो कोई भी समाज दीर्घकाल तक स्थायी रूप से नहीं बना रहता। इसके लिए यह बात सभी मानते हैं, सभी सोशियोलॉजिस्ट मानते हैं, सभी समाजशास्त्री मानते हैं, और विशेषकर जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं वे तो मानते हैं कि ज्ञानदान या स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो है वह समस्त हमारे जीवन का आधार है और इसे बनाए रखना चाहिए, इसी का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य। और ये दान कौन कर सकता है? जो आध्यात्मिक संपदा से संपन्न हो, जिसमें स्वयं आध्यात्मिकता हो, आध्यात्मिक गुरु हो, वही कर सकता है। अधिकांश व्यक्ति नहीं कर सकते। आप पढ़े लिखे हैं तो आप किसी व्यक्ति को पढ़े को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। आप 10वीं क्लास के हैं, एमडी हैं, डॉक्टर हैं, तो एक एमबीबीएस को पढ़ा सकते हैं, विद्यादान तो कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानदान नहीं कर सकते। उसके लिए आध्यात्मिक संपदा संपन्न, आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न आपको होना होगा। तब हम क्या करें? अधिकांश हम लोग क्या करें जब हम नहीं कर सकते? लेकिन उसको आप कहते हैं कि सर्वोच्च ज्ञान है, सर्वोच्च दान है। तो आध्यात्मिक केंद्रों, आध्यात्मिक संतों, आध्यात्मिक महापुरुषों का संरक्षण कीजिए, यह है पीछे भाव। इसीलिए जब आप मंदिर इत्यादि में जाते हैं, वह आध्यात्मिकता के केंद्र है, स्पिरिचुअलिटी के केंद्र है। जो प्रतीक है, देवी है या देवता है, वे क्या हैं? स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता के तो प्रतीक है ना, भगवान के प्रतीक हैं। उनका संरक्षण कीजिए, संतों महात्माओं का संरक्षण कीजिए, इससे आप अपनी ओर से आध्यात्मिकता के प्रसार प्रचार में दान दे रहे हैं, अब आपका योगदान हो रहा है। इसलिए यह एक प्रथा बनी हुई है कि जहां कहीं भी देवी देवता होवें, संत महात्मा होवें, आश्रम होवें, वहां पर कुछ प्रणामी चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से हम आध्यात्मिक ज्ञान में हमारा योगदान देते, दान में, स्पिरिचुअल ज्ञान दान में हमारा योगदान देते। श्री रामकृष्ण सिंह वाहिनी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, आपके पीछे भक्तगण हाथ जोड़कर खड़े हैं, श्री राम कृष्ण बड़ी देर तक दर्शन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने तन्मय होकर दर्शन किया, हमके भी जाना चाहिए, थोड़ा सा प्रणाम किया उठ के चले आए, ऐसा नहीं, थोड़ा दर्शन करना चाहिए, उस भाव में बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए, कुछ बैठकर जप करना चाहिए, अगर संभव हुआ तो एक कोने में बैठकर, एकांत में बैठकर 5-10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा जप अवश्य करना चाहिए। काफी आश्चर्य, क्या आश्चर्य, दर्शन करते हुए आप सहसा समाधि मग्न हो गए। श्री राम कृष्ण के लिए समाधि मग्न होना अत्यंत स्वाभाविक था, और विशेषकर किसी एक देवी विग्रह को देखकर तो वे अवश्य समाधि मग्न हो जाते थे। पत्थर की मूर्ति की तरह निस्तब्ध खड़े हैं, नेत्र निष्फलक, आंखें खुली हुई हैं, और पत्थर की मूर्ति की तरह समाधिस्थ हो गए। उस भाव में, उस परमात्मा के भाव में, माँ जगदम्बा के भाव में वे विलीन हो गए। काफी समय के बाद आपने लंबी सांस छोड़ी, समाधि छूटी, नशे में मस्त हुए, कह रहे हैं मां चलता हूं, तो मां के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। मां जगदम्बा केवल पत्थर की मूर्ति नहीं हो गई थी, वहां चैतन्य अपियर हुई थी, श्री राम कृष्ण मां से बात करते थे, ये उनके लिए अत्यंत स्वाभाविक था। जब सबसे पहले एक बार श्री राम कृष्ण को दर्शन हुआ था, व्याकुल होकर माँ काली का साधना करते हुए जब सबसे पहले दर्शन हुआ था, उसके बाद श्री राम कृष्ण ने क्या किया? एक बार दर्शन हुआ, उसके बाद समाप्त। फिर व्याकुल होकर उन्होंने दर्शन प्रार्थना की, फिर व्याकुल होकर रो रो कर पुकारने लगे, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, फिर दर्शन हुआ, फिर दर्शन हुआ, धीरे धीरे दर्शन जो है वो एक के बाद एक जल्दी जल्दी होने लगे, और उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि माँ जगदम्बा उनके लिए साक्षात हो गई, जैसे इस प्रकार हमारे साथ जब इच्छा हो तब उनके पास उनका दर्शन होने लग गया।
समाधि उनके लिए अत्यंत स्वाभाविक समाधि, उस समय वे अपने इष्ट देवता के अत्यंत निकट चले जाया करते थे सुपर कॉन्शियस स्टेट में। इसीलिए श्री रामकृष्ण कई बार हम देखते हैं श्री रामकृष्ण वचनामृत में भी श्री रामकृष्ण माँ काली से साक्षात बातचीत करते, तू आई है मैं भी आया हूं, माँ इसको खींच ले इत्यादि, बिल्कुल निकट देखते। इसका थोड़ा सा आभास हम भी थोड़ी साधना करके प्राप्त कर सकते। अगर हम निष्ठापूर्वक धीरे धीरे साधना करें, थोड़ी तीव्रता से साधना करें, तो ऐसी स्थिति आ जा सकती है कि अभी जिस भगवान का जिसको हमें कल्पना करनी पड़ती है, मन जिसमें नहीं लगता, धीरे धीरे जब मन उसमें लगने लग जाएगा तो उसकी प्रेजेंस फील होने लग जाएगी, भगवान की सानिध्य का अनुभव होने लग जाएगा। अगर हम और धीरे धीरे जाएंगे तो वो धीरे धीरे और अधिक स्वाभाविक होने लग जाएगा और उसके बाद बिना प्रयत्न के भी होने लग जाएगा, आसानी से होने लग जाएगा। इससे हम लगा सकते हैं अंदाज कि श्री राम कृष्ण को कितना गहरा होता था। मानो श्री राम कृष्ण को तो डायरेक्ट माँ जगदम्बा बात कर रही है, ऐसा पता चला। तो श्री राम, यह वर्णन बड़ा सुंदर वर्णन है, माँ जगदम्बा से गहरी ध्यान में मिलन हुआ, उसके बाद कहते हैं माँ चलता हूं, मिल लिया जा रहे चलता हूं, परंतु चल नहीं पाते, उसी प्रकार खड़े हुए चल नहीं पा रहे। फिर रामलाल से कहा तू वह गाना गाओ तब मैं ठीक हो जाऊंगा। समाधि में श्री रामकृष्ण की ऐसी स्थिति होती थी, कभी कभी गाना सुनकर भगवान का भाव होने पर समाधि हो जाया करती थी, और उसके बाद में जब भाव गाना बाहर कंटिन्यूस करते थे तो फिर समाधि छूट जाती, क्योंकि समाधि जो गाना है वह तो नाम रूपात्मक है ना, नाम से संबंधित है, इंद्रिय से संबंधित है, इंद्रिय से उसका कांटेक्ट होता है, बाहर के जगत से उसका संबंध है। इसलिए जहां गान भगवान के भाव की उद्दीपन करता है, उसी प्रकार से वह मन को बाहर भी खींच सकता है। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं गाना गाओ। इसका एक बड़ा अच्छा संदर्भ मिलता है स्वामी अद्भुतानंद लाटू महाराज की जीवनी में। लाटू महाराज रामलाल रामचंद्र दत्त के यहां पर सर्वेंट बॉय थे, और वहां पर एक अवधूत नित्यानंद करके बड़े परम भक्त वहां रहा करते थे मास्टर रामराज रामचंद्र दत्त के, और उनको समाधि हुआ करती थी। और लाटू महाराज का ड्यूटी थी उस समय, सर्वेंट बॉय जैसे मैंने कहा है कि बच्चे लड़के थे वहां सेवक थे, उनकी ड्यूटी थी कि इनको नाम सुनाना, भगवान का नाम सुनाना। तो नाम सुनाते सुनाते उनके समाधि लग जाती थी। अब लाटू महाराज घबराते थे, उनको कहा नाम सुनाओ, तो नाम सुनाते जाते थे तो समाधि टूट भी जाती। भगवान के नाम से समाधि होती भी है, भगवान के नाम से टूट। श्री राम कृष्ण ने स्वयं कहते थे, माँ शारदा को उन्होंने बता दिया था कि अलग अलग प्रकार की समाधि जब होती थी तो माँ शारदा डर जाती थी। माँ शारदा युवती थी 15-17 बरस की, उनके पास आई थी, रात को रहती थी, देखती श्री राम कृष्ण समाधि में डूब गए, बाह्य ज्ञान शून्य हो गए, श्री राम माँ घबरा जाती थी क्या होगा क्या नहीं होगा। तब बाद में श्री राम कृष्ण कहते थे देखो यह समाधि होवे, यह लक्षण होवे तो ये नाम सुनाना, ऐसा लक्षण होवे तो यह नाम सुनाना, अब हम समझ। और माँ कहती थी, माँ नाम सुनाते जाती थी और श्री राम कृष्ण की समाधि टूट जाती थी। तो यहां पर भी श्री राम कृष्ण बलराम रामलाल को कहने लगे तुम वह गाना गाओ ठीक हो जाऊंगा। कौन सा गाना? रामलाल गाने देंगे, हे माँ हर मोहिनी तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है इत्यादि। इसका वर्णन नहीं किया, यह हुआ ना यहाँ पर, हे माँ हर मोहिनी तूने संसार को भुलावे में डाल रखा है, यह भी हमने डिटेल पढ़ा, वो यहाँ गाना गया, गीत समाप्त हुआ, श्री राम कृष्ण नॉर्मल हो गए। अब श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बैठक खाने में आकर बैठे, चलते हुए बीच बीच में कहते हैं माँ मेरे हृदय में रहो, माँ मेरे हृदय में रहो माँ, ये बात कर रहे हैं। यदु मल्लिक अपने लोगों को
अपने लोगों के साथ बैठक खाने में बैठे हुए हैं, श्री राम कृष्ण भावावस्था में ही हैं, आकर गा रहे हैं। बैठक खाने में आए और श्री राम कृष्ण गाना गाने लगे। मैंने जैसा कहा श्री राम कृष्ण अच्छा गाते थे, और ये राम कृष्ण मिशन परंपरा में भजन गाना इत्यादि ये आध्यात्मिक जीवन की साधना की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग को माना गया, इसलिए हमारे यहाँ पे परंपरा है भजन इत्यादि की, कीर्तन इत्यादि की, इससे मन शांत होता है, एकाग्र होता है। हे माँ तुम आनंदमयी होते हुए मुझे निरानंद मत करना, ये प्रसिद्ध गाना है। ओ माँ आनंदमयी अमाय निरानंद कोरोना आमी इत्यादि एक भजन है। गीत समाप्त होने पर भावोन्मत्त होकर यदु मल्लिक से कहते हैं, क्यों बाबू क्या गाऊं? माँ आमी की आटाशे छेले ये गाऊं, ये गाना गाऊं, यह कहकर गाने लगे। माँ क्या मैं तेरा अठवासा बालक हूं, यानि जो 8 महीने में जन्म देने वाला बच्चा दुर्बल और भीरू होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में पूरा 9 महीने नहीं रहा, केवल 8 महीने में भी जिसका प्रीमेच्योर बर्थ जिसे कहते हैं हो जाता है, तो बच्चा दुर्बल होता है, भीरू डरपोक होता है, नेचुरली वो पूरा डेवलपमेंट उसका नहीं होता है। तो क्या मैं तेरा आठवासा बालक हूँ, तेरे आँख तररने से मैं नहीं डरता। ये वीर भाव के गाने हैं, माँ जगदम्बा के वीर भाव है। शिव जिन्हें अपने हृदय कमल पर धारण करते हैं वे तेरे आरक्त चरण मेरी संपदा है। शिव ने जिस हृदय कमल को तुम्हारे अपने तुम्हारे कमल को शिव जी ने हृदय पर धारण कर लिया है, मेरी वो संपदा है, मैं डरने वाला नहीं। बहुत ही सुंदर सुंदर इस प्रकार के भजन हैं। भक्त शिव जी से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर डिग्री करूंगा, तुम्हारे को कोर्ट में ले जाने वाला हूं कि तुमने मेरे जो चरण हैं जिनके ऊपर मेरा अधिकार है वो तुमने कैसे पा लिया, ये इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी। तुमने शिव जी की माँ के चरण अपने सीने पे क्यों, हृदय पे क्यों रखे, वो तो मेरी प्रॉपर्टी है। इस तरह बड़े अच्छे अच्छे भजन। भाव किंचित उपशम होने पर श्री राम कृष्ण कहते हैं माँ का प्रसाद खाऊंगा, तब आपको सिंहवाहिनी का प्रसाद लाकर दिया गया। यदु मल्लिक बैठे हैं, पास ही कुछ मित्र बैठे हैं, कुछ खुशामत वाले मुसाहिब भी हैं। यदु मल्लिक मैंने कहा काफी धनवान व्यक्ति थे, ओ कुछ मुसाहिब कुछ उनके चापलूस फ्लैटरर्स वो भी बैठे थे। अब यहाँ से चीज बदल रही है और शंख बज गया है। मैं नहीं चाहता कि वो अब हम दूसरे प्रकार के लेवल पे जाके समाप्त करें, हम यही बंद करते हैं। इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे, वो श्री राम कृष्ण इन बातों को करेंगे, बहुत ऊंचे लेवल से फिर वो निम्न स्तर पर आकर चर्चा होगी, उसको हम यहाँ बंद करते हैं, इसकी चर्चा अगली बार करेंगे।